नमस्कार, मैं निकिता वर्मा, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र सबलगढ़ में 32 पोलिंग बूथों पर शांति प्रिया दोपहर 3 बजे तक लगभग 49% मतदान हुआ। एसडीएम सबलगढ़ धीरेन्द्र कटारे ने अपनी पत्नी के साथ मताधिकार का प्रयोग किया। सबलगढ़ सीएमओ अशोक पटेल ने सबलगढ़ की 32 मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से यथावत व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं मतदान केंद्र का भौतिक निरीक्षण किया। लोकसभा निर्वाचन संपन्न कराने हेतु सबलगढ़ एसडीएम वीरेंद्र कटारे एवं पुलिस प्रशासन व नगरीय प्रशासन ने मिलकर शांति प्रिय मतदान संपन्न कराया जा रहा है। सबलगढ़ से कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। ना उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे, कितना परसेंट मतदान हो चुका है इस समय पे? देखिए, और कितनी पोलिंग है इस समय सबलगढ़ क्षेत्र में? देखिए क्या, लोकसभा निर्वाचन जो पोलिंग हो रहा है तो नगरी क्षेत्र में 32 पोलिंग स्टेशन है, जिससे मैं सभी में लगातार सुबह से ही भ्रमण कर रहा हूँ व्यवस्थाओं के संबंध में। जो नगर पालिकाओं को प्रशासन ने दायित्व सौंपा है, जैसे अपनी मूलभूत व्यवस्थाएं, पानी, भोजन, कूलर और भी जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई वगैरह, लाइट वगैरह की प्रकाश व्यवस्था, तो उसके लिए लगातार कंटिन्यू व्यवस्थाएँ कर रहा हूँ। मैं घूम रहा हूँ और जहाँ तक वोटिंग का प्रतिशत है तो एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक मोटा मोटा जो मुझे फिगर मिला है उसके साथ 50% के आसपास वोटिंग अभी वोटिंग हो चुकी है। अप्रोक्सीमेटली है, जब फाइनल फिगर तो शाम को ही आ पाएगा। अच्छा, और ये जब अभी आपने एसडीएम साहब भी आए थे आपके सामने वोट डालने के लिए, तो क्या निर्वाचन क्षेत्र उनका यही लगता है क्या? हाँ, एसडीएम साहब का वोटिंग का निर्वाचन क्षेत्र यही लगता है। उनने भी सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी किया और व्यवस्थाओं से एसडीएम साहब संतुष्टि भी व्यक्त की। और उनके साथ में उनकी मैडम भी थी, मैडम और सर दोनों का ही वोट डाली गई। थैंक यू।